ये है कंडीशन अभी मेरे बूट की। मैं इसको पुल भी कर रहा हूँ तो ये ऊपर नहीं जा रहा है। सेम वे काफ़ी इसको पुश करना पड़ता है ऊपर के लिए। ये देखिए मुझे पुश करना पड़ रहा है, इसमें होल्ड करता है, नीचे नहीं जा रहा है अपने आप, पर ऊपर भी नहीं जा रहा है वो। जहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ ये वहीं रुक जाता है। इसको रियर स्प्रिंग भी बोल सकते हो। और यहाँ पे मैंने बुडमू से पार्ट मंगाया है, ये भी पैक्ड है, सभी खोल दिया है। और ये इसके अंदर की पैकिंग, इसके अंदर टोटल ये 4 स्प्रिंग्स हैं, 2 होंडा जैज के हैं मेरी और 2 नेक्सॉन। और ये है वो गैस स्प्रिंग जो ऑर्डर किए थे मैंने नेक्सॉन के लिए। बुडमू से ऑर्डर किया था, एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक तो नेक्सॉन का आया है और एक इनोवा क्रिस्टा का आया है। लेंथ में भी फ़र्क है और ये एक्सपेक्टेड नहीं था बुडमू से। चलिए इसको रिटर्न करेंगे और ओरिजिनल परचेज करेंगे। पुराने गैस स्प्रिंग को निकालना बहुत ही ईजी है। हमें एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर और यहाँ पे ये आपको दिख रहा है पॉइंट, यहाँ पे डाल के और इसको पुल करना है बाहर को, इसको ऊपर को खींच के और इसको बाहर निकाल लेना है। पुराना जो स्प्रिंग था ये निकल चुका है अभी और इसको इंस्टॉल करना नए वाले को बहुत ही ईजी है। तो सिंपली अपने अंदर को पुश कर दिया है और अब जो है गेट, ये देखो अगर मैं यहाँ से भी छोड़ता हूँ तो ऊपर को जा रहा है। एक ही गैस स्प्रिंग चेंज करने पे इतना मेजर डिफरेंस आ चुका है, अभी तो दूसरा भी चेंज करना है। और ये हमारी होंडा जैज और सेम गैस स्प्रिंग जो है इसके अंदर बिल्कुल ही डेड है, ये होल्ड तक नहीं करता है, नीचे जाता है। इसमें भी स्ट्रट चेंज करते हैं। अच्छा, आ गई।